प्रभास की फिल्म आदि पुरुष के लिए जनता शुक्रवार को खूब भीख लगाकर पहुंची। रामायण की कहानी पर बेस्ड इस फिल्म का ग्रैंड स्केल सभी को एक्साइट कर रहा था, लेकिन फिल्म के डायलॉग्स ने दर्शकों को काफी निराश किया है। रामायण की कहानी दिखने वाली फिल्म में कई डायलॉग्स आज की आम बोलचाल की भाषा में थे, जिसकी वजह से पहले दिन से ही फिल्म की खूब आलोचना हुई। अब मनोज मुंतशिर ने कहा है कि इसी हफ्ते फिल्म के विवादित डायलॉग्स बदले जाएंगे और उन्हें फिल्म में दोबारा से शामिल किया जाएगा। आदि पुरुष के डायलॉग लिखने वाले राइटर मनोज मुंतशिर ने शनिवार को अपने डायलॉग्स के बचाव में कहा था कि ऐसी भाषा गलती से इस्तेमाल नहीं हुई, बल्कि ये जानबूझकर किया गया है ताकि यंग ऑडियंस इस फिल्म से रिलेट कर सके। उन्होंने कहा कि भारत के कई कथावाचक इसी तरह की भाषा में कथा सुनाते आए हैं, मगर अब मनोज ने फिल्म के डायलॉग्स को लेकर ट्विटर पर एक लंबी पोस्ट भी शेयर की है। उन्होंने कहा कि जनता की भावना से बढ़कर उनके लिए और कुछ भी नहीं है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आदि पुरुष में प्रभु श्री राम का यश गान किया, जिसके लिए उन्हें तारीफ नहीं मिली, लेकिन 5 लाइनों के लिए उनकी आलोचना में लोगों ने बहुत कुछ कहा। ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा कि राम कथा से पहला पाठ जो कोई सीख सकता है वो है हर भावना का सम्मान करना। सही या गलत ये समय के अनुसार बदल जाता है, लेकिन भावना रह जाती है। आदि पुरुष में 4000 से भी ज्यादा पंक्तियों के संवाद मैंने लिखे। 5 पंक्तियों पर कुछ भावनाएं आहत हुई। उन सैकड़ों पंक्तियों में जहाँ श्री राम का यशगान किया, माँ सीता के स्त्री तत्व का वर्णन किया, उनके लिए प्रशंसा भी मिलनी थी जो पता नहीं क्यों नहीं मिली। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।